मैं कनुभाई टेलर को 1.5 साल से जानता हूँ। कनुभाई टेलर एक अद्भुत व्यक्ति हैं। ये खुद दिव्यांग होते हुए इन्होंने ना केवल अपना जीवन संवारा, पर साथ ही इन्होंने एक ऐसी इंस्टीट्यूशन क्रिएट की है जो कि यहाँ के बच्चों के लिए एक आशा की किरण की तरह आई। और यहाँ इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था इसके पहले। अभी लगभग 400 बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं जो दिव्यांग हैं, करीब 15,000 बच्चे जो कि पढ़ाई पूरी करके जा चुके हैं। और इस तरह से एक नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशन इन्होंने क्रिएट की है। भारत सरकार ने जो है इनको, इनकी इस जो है इनका काम है उसको भी सराहा है, पद्मश्री अवार्ड किया है इनको, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी, हम जब इनके संपर्क में आए, और वैसे भी हम देखते हैं कि कोई भी दिव्यांग अगर पुलिस को अप्रोच करना चाहे तो जो फैसिलिटी हमारे पुलिस स्टेशन में होनी चाहिए वो नहीं होती कई बार, और हमने बहुत कोशिश की वो फैसिलिटी क्रिएट करने की कि वो आसानी से बिल्डिंग के अंदर आ सकें और एक्सेस कर सकें। लेकिन वो जब देखा कि बहुत मुश्किल हो रहा है तो फिर हमने एक ऐसा आदेश यहाँ निकाला है कि कोई भी दिव्यांग 24 घंटे अगर उसको पुलिस की किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो सिर्फ कंट्रोल रूम या नज़दीक के पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म करेगा तो पुलिस के घर पे आके उनका काम करेगी। ये हमने फैसिलिटी महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी दी है, पर उनके लिए फैसिलिटी सिर्फ रात के लिए अवेलेबल है, दिव्यांगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। दिव्यांगों के लिए कोई स्पेशल हेल्पलाइन नहीं है, लेकिन हमारा जो 100 का जो पुलिस का एक जनरल नंबर होता है उसको हम बहुत अलग अलग ढंग से प्रमोट कर रहे हैं। वी हैव लॉन्च्ड, हमने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है कि 100 डायल करने के 100 कारण। वी आर एनकरेजिंग पीपल टू यूज़ दिस फैसिलिटी मोर एंड मोर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी भी इस फैसिलिटी को पूरी तरह से यूज़ नहीं किया जा रहा है। हमारी डेडिकेटेड पुलिस पेट्रोल मोबाइल्स हैं जो कि इन्हीं कॉल्स को रिस्पॉन्ड भी करती हैं, तो वो भी हमें नहीं लगता कि पूरी तरह यूटिलाइज हो रही हैं। तो हम तो सभी नागरिकों से, चाहे वो दिव्यांग हों कोई भी हों, उनसे यही कहते हैं कि आप 100 डायल करेंगे तो पुलिस की हेल्प मिल जाएगी आपको। आगे का देखिए, इन्होंने जो काम किया है वो तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन जितनी संख्या दिव्यांगों की हमारे समाज में, देश में है, उनको देखते हुए ऐसी और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो ऐसे घरों के बच्चे हैं जहाँ पे खुद माँ बाप को में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब उन बच्चों का क्या हाल होगा हम कह नहीं सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इंस्टीट्यूशन क्रिएट होनी चाहिए, और हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होना चाहिए सबसे पहले कि कितने दिव्यांग हैं, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज होना चाहिए, और फिर हर एक का फॉलोअप करना, ये सब हम सबकी जवाबदारी है। ऐसा मुझे कोई वाकया याद नहीं है। खाली हम ये कोशिश करते हैं कि पुलिस के पास एक बार कोई आ जाता है दिव्यांग तो हम उनकी जितनी हो सके उनकी हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे भी केस आते हैं कि जहाँ पे उनको पुलिस से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन सूरत में एक माहौल ऐसा है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन पुलिस से बहुत ज़्यादा है, पुलिस कमिश्नर से, कलेक्टर से। उनकी एक्सपेक्टेशन होती कि वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जांपल, लोगों के पास, मान लिया किसी के पास कोई दिव्यांग है या कोई ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास मान लिया जॉब नहीं है, फॉर दैट ऑल्सो दे विल अप्रोच पुलिस कमिश्नर। तो हम कोशिश करते हैं कि जिसकी जितनी हेल्प हो सके उस टाइप की हेल्प भी हम कर देते हैं। ओके, हम कनु भाई को करीब
डेढ़ साल से जानते हैं। कनु भाई एक अद्भुत व्यक्ति हैं, ये खुद ले चैलेंज थे और एक परिस्थिति इनके जीवन में ऐसी थी कि ये एकदम बेसहारा थे, लेकिन इन्होंने उसी चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बना के और ना केवल अपने आप को, अपने जीवन को ठीक किया, और इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन यहाँ खड़ी की है, डिजेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो 400 बच्चों को अभी शिक्षा का काम, उनको शिक्षा दे रही है। उनके इस इंस्टीट्यूशन से 15,000 बच्चे अभी तक शिक्षित हो चुके हैं, बहुत से बच्चे कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ से शिक्षित हो के उनको जॉब्स भी मिल गए हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये जो काम किया है बहुत ही अद्भुत काम। और फिर पुलिस ने कैसे उनको सपोर्ट किया? हमारा तो पुलिस थोड़ा इनसे संपर्क इस ढंग से हुआ कि इन्होंने प्रोग्राम में बुलाया तो हम इनसे मिले। यहाँ पर जो हमारे डिजेबल पर्सन हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए जो अलग अलग फैसिलिटी क्रिएट करने की जब बात होती है तो किसी न किसी वजह से हो नहीं पाता है। जैसे कि हम अपने पुलिस स्टेशन की बात करें, काफ़ी टाइम से हमको ये शिकायत मिलती थी कि दिव्यांग लोगों के लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए कि जिससे ईजिली एक्सेस कर सकें, रैंप बनवा दीजिए, लिफ्ट लगवा दीजिए, तो वो सब होना चाहिए। पर कई जगह पे हमने देखा कि रैंप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा पुलिस स्टेशन फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है और दो ही फ्लोर हैं तो लिफ्ट भी नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह से एक एक पुलिस स्टेशन में वो चीज़ क्रिएट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल लगा। तो हमने एक इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की है, एक ऑर्डर किया है कि कोई भी दिव्यांग हो उसको पुलिस स्टेशन में किसी काम के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, वो उस पुलिस कंट्रोल रूम का फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद हम पुलिस उनके घर पर चली जाती है, उनका शिकायत लेनी हो तो शिकायत ले लेती है, और कोई और काम हो जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा तो वो भी हम कर देंगे। ऐसा हमने एक व्यवस्था यहाँ उनके लिए की है। ऐसी ही व्यवस्था हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए और महिलाओं के लिए भी की है, लेकिन वो व्यवस्था उनको 24 घंटे नहीं मिलती है, वो सिर्फ रात के टाइम। और इस व्यवस्था को अप्लाई करने, एप्लीकेशन में लाने के लिए कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए, कुछ हर्डल्स? उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे जो दिव्यांगों की संख्या बहुत कम है, संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, और हमारे पास जो साधन हैं, गाड़ियाँ हैं, स्टाफ है, वो काफ़ी है। और वैसे भी हमारे पास जो, जिसको हम पुलिस कंट्रोल रूम की मोबाइल बोलते हैं, उसका रिस्पांस टाइम पूरे शहर में 8 मिनट से भी कम है, तो वो बाकी सिटीजन्स की भी कंप्लेंट्स सुनते ही हैं। तो कई बार कोई भी अगर नागरिक घर से भी अगर फ़ोन करेगा कि उसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो पुलिस की गाड़ी आ ही जाती है। पर इनके लिए स्पेशली एक अलग से ऑर्डर कर दिया जिससे कि इनको कोई तकलीफ नहीं। देखिए, कनु भाई ने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने प्रयत्नों से जो एक संस्था खड़ी की है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन विकलांगों के, जो हम दिव्यांगों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। आज भी हमारे देश में जैसे मान लिया ऑटिज़म है, मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, और भी अलग अलग टाइप की डिजेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं है। बहुत से गरीब बच्चे ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप को पता ही नहीं है कि क्या करें बच्चे का, वो घर में होंगे, आज भी हम सर्वे करवाएं तो शायद उस बच्चे को कोई मदद नहीं मिल रही है। तो इस तरह से जो इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं, ऐसी इनिशिएटिव और ज़्यादा लेने की बहुत ज़रूरत है।